दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको इस चैनल पर करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दूंगी थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हेयर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको हेयर की टर्मिनोलॉजी एंड मेथडोलॉजी के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो से पहले वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दोनों वीडियो कनेक्टेड है। उसके आगे का जो पार्ट रह गया था वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड तक विदाउट स्किप किए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो पार्ट वन वाला, तो उसमें हमने देखा था कि हमने मेथडोलॉजी को 5 key points में डिवाइड किया था। मेथडोलॉजी के हमारे 5 key points से, उसमें से पहला जो की पॉइंट है वो था हमारा पार्टिंग एंड सेक्शन। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको पार्टिंग एंड सेक्शन के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो व्हाट इज पार्टिंग एंड सेक्शन? पार्टिंग एंड सेक्शन क्या होता है? पार्टिंग एंड सेक्शन वो होता है कि जब हम कटिंग से पहले बालों को किस तरह से अलग करें, बालों को कटिंग से पहले कैसे सेपरेट किया जाता है, वो हमारा पार्टिंग एंड सेक्शनिंग होता है। तो पार्टिंग एंड सेक्शनिंग में हमें बताया जाता है कि कटिंग से पहले हमें बालों को किस तरीके से अलग करना है। ठीक है, कैसे सेपरेट करना है। डायरेक्ट हम कट स्टार्ट नहीं करते हैं, कटिंग करने से पहले हमें अकॉर्डिंग टू कट, जो भी कट हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बालों में कुछ सेक्शंस बनाने पड़ते हैं, ताकि हमारा जो कट है वो प्रॉपर कट हो, प्रॉपर अच्छे तरीके से हो। जब हम सेक्शनिंग करके कटिंग करते हैं तो कट हमारा बहुत अच्छा होता है और कोई भी मिस्टेक हमारी कटिंग में नहीं होती है। ठीक है, तो वो सारे कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कौन कौन सी पार्टिंग्स होती है, वो हम आगे देखेंगे। तो यही होता है पार्टिंग एंड सेक्शन, की कटिंग से पहले हम बालों को किस तरीके से अलग करें। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है हमारा प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन सबसे बेसिक सेक्शन है, और ये जो प्रोफाइल सेक्शन होता है वो हर एक कट में यूज होता है। हर एक कट में हम प्रोफाइल सेक्शन करते हैं सबसे पहले। तो प्रोफाइल सेक्शन क्या होता है? प्रोफाइल सेक्शन वो होता है जब हम सेंटर फोरहेड से क्राउन को टच करते हुए पीछे ऑसिपिटल बोन से नेप एरिया तक जब सेंटर प्रोफाइल निकालते हैं, वो हमारा होता है प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है, सेंटर से बिल्कुल सीधी लाइन लेके जाते हैं नेप एरिया तक, ऑसिपिटल बोन और क्राउन को टच करते हुए, वो हमारी प्रोफाइल सेक्शन होता है। आप इस पिक्चर के थ्रू इजीली समझ पाएंगे। ये हमारा हेड है, यहाँ से जो हमारा फोरहेड है, फोरहेड के सेंटर से हम नोज के सेंटर से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, और वहां से स्टार्ट करते हुए सीधा हम इसको लेके जाते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्राउन एरिया आ जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ पर ऑसिपिटल बोन आ जाती है, ऑसिपिटल बोन से लेकर नेप एरिया तक, जहां तक हमारे हेयर्स की एंडिंग लाइन होती है पीछे नेक पर, वहां तक जो हम निकालते हैं, ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन होता है। प्रोफाइल सेक्शन में हमारे टू पार्ट्स निकलते हैं, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं प्रोफाइल सेक्शन से, 1 and 2, हाफ हाफ। ठीक है, सेंटर से हाफ वाल इधर, हाफ वाल इधर। तो सेंटर से जो सेक्शन किया जाता है वो हमारा होता है प्रोफाइल पार्टिंग, या फिर सेक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं, जो बीच की बांग जो निकालते हैं हम, वो हमारी प्रोफाइल सेक्शन होती है। तो आपको बीच की मांग वर्ड यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है प्रोफाइल सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा हॉर्सशू सेक्शन। हॉर्सशू सेक्शन के नेम से ही क्लियर हो रहा है ये किस तरह का सेक्शन होगा। हॉर्सशू मतलब जो घोड़े की नाल होती है ना, आपने देखी होगी घोड़े की जो नाल होती है, उसी शेप में हमारा ये जो सेक्शन होता है वो निकलता है। इस सेक्शन को हम किस तरीके से निकालेंगे? जो हमारा रिसेशन एरिया होता है फॉरहेड पर, उस एक रिसेशन एरिया से हम उसको निकालना स्टार्ट करते हैं, और पूरा क्राउन एरिया को कवर करते हैं, क्राउन एरिया को कवर करते हैं इस तरीके से, और दूसरे रिसेशन एरिया तक हम इसको निकालते हैं। तो ये हॉर्स शू की एक शेप बनती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा जो सेंटर पार्ट होता है हेयर का, सेंटर के हेयर्स को सेपरेट करने के लिए हमारा ये हॉर्स शू जो सेक्शन होता है वो काम में आता है। तो इस तरीके से हम हॉर्स शू सेक्शन निकालेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शन के भी नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें हमारा किस तरीके का सेक्शन निकलेगा। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें सेक्शन निकालना होता है। लाइक ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन है, ये देखिए इस तरीके से, ये रेडियल सेक्शन है। तो हमें अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है तो इस तरीके से हम कॉम की हेल्प से अपना सेक्शन को निकालेंगे, एक इस तरीके की लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा एक सेक्शन निकलता है। ठीक है, तो वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये एक सब सेक्शन होता है।
से दोस्तों हमारा डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन। डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन में क्या होता है कि आप जो भी सेक्शन निकाल रहे हैं वो सेक्शन आपके फेस की तरफ आता है, ठीक है, फेस की तरफ होता है। लाइक ये हमारा डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन है, तो इसके जो दोनों कॉर्नर्स होंगे वो आपके फेस की तरफ आएंगे। ये हमारा फेस का फ्रंट साइड है, ये हमारा नेप एरिया। तो फ्रंट साइड अगर आप सेक्शन निकाल लें तो इस तरीके से निकालेंगे, जो कि आपके ये जो सेक्शन आप निकाल रहे हैं उसके जो दोनों कॉर्नर्स होंगे वो फेस की तरफ आएंगे, ठीक है। अब ये पूरा सेक्शन इस तरीके से नहीं निकलेगा, बैक साइड पर ये इस तरीके से निकलेगा, ताकि जो हमारे कॉर्नर्स है वो हमारे फेस की साइड आए, ठीक है। तो फ्रंट से इस तरीके से निकलेगा और बैक से ये इस तरीके से निकलेगा। तो इसमें डायगनल फॉरवर्ड में आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारा जो सेक्शन निकलता है वो एक ही शेप में बनता है, ठीक है, एक ही शेप में बनता है, तो वो हमारा डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन होता है। ये बन रहा है ना इस तरीके से ए, तो ये हमारा डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन। अगर डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन में आप डायगनल बैकवर्ड सेक्शन भी होता है, अगर डायगनल फॉरवर्ड और डायगनल बैकवर्ड सेक्शन में आप कंफ्यूज रहते हैं तो आप इतना याद रख लीजिए कि डायगनल फॉरवर्ड में हमारा ए बनता है। तो उस चीज से आपको याद रहेगा कि डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन आपको किस तरीके से निकालना है। तो इससे दोस्तों हमारा डायगनल बैकवर्ड सेक्शन। डायगनल बैकवर्ड सेक्शन में क्या होगा, अभी हमने देखा कि डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन में हमारा जो सेक्शन था वो हमारे फेस की तरफ आ रहा था, बट डायगनल बैकवर्ड सेक्शन में क्या होगा, आपका जो सेक्शन होगा वो बैक साइड की तरफ जाएगा, आपके फेस से दूर पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या रखना है कि डायगनल बैकवर्ड सेक्शन में हमारा वी बनता है इस तरीके से, जैसे डायगनल फॉरवर्ड सेक्शन था उसमें ए बन रहा था, इसी तरीके से डायगनल बैकवर्ड सेक्शन जो होगा उसमें आपका वी बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से वी बन रहा है ना, ये इसे जो दोनों किनारे हैं वो हमारे बैक की साइड जाएंगे, फेस की तरफ नहीं होंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए दूसरी साइड जाएंगे और ये भी इस तरीके से, तो हमारा ये वी बनेगा, ये फेस की साइड नहीं है ना दोनों किनारे। डायगनल फॉरवर्ड में क्या था, ये जो दोनों किनारे थे वो फेस की साइड जा रहे थे इस तरीके से, बट डायगनल बैकवर्ड में क्या होगा, ये बैक की तरफ जाएंगे, बैक पीछे की तरफ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा है डायगनल बैकवर्ड सेक्शन। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रेडियल सेक्शन। रेडियल सेक्शन को हम ईयर टू ईयर पार्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन होता है हमारा वो ईयर से लेकर ईयर तक निकलता है। एक ईयर से हम स्टार्ट करते हैं, ईयर के टॉप से हम स्टार्ट करते हैं और क्राउन को टच करते हुए दूसरे ईयर तक ये सेक्शन निकालते हैं। रेडियल सेक्शन हमारा प्रोफाइल सेक्शन के बाद हम रेडियल सेक्शन निकालते हैं। हेयर्स को चार पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें रेडियल सेक्शन की नीड पड़ती है, ठीक है। तो रेडियल सेक्शन को हम ईयर टू ईयर पार्टिंग भी कहते हैं। ईयर से ईयर तक जो हमारा क्राउन को टच करते हुए जो सेक्शन निकलता है इस तरीके से, वो हमारा होता है रेडियल सेक्शन। से दोस्तों हमारा पिविटिंग सेक्शन। पिविटिंग सेक्शन में क्या होता है, आपका जो सेक्शन निकालते हैं आप वो एक ही पॉइंट से रोटेट होता है इस तरीके से। जैसे हम पहले प्रोफाइल सेक्शन निकालते हैं, उसके बाद हम रेडियल सेक्शन निकालते हैं, और देन हमारा जो क्राउन एरिया होता है, क्राउन एरिया से हम एक पॉइंट सेट करते हैं और उसी सेट पॉइंट से हमारे सारे सेक्शन इस तरीके से निकलते हैं। जैसे पिज्जा की स्लाइस होती है ना, उस तरीके से हमारे ये सारे सेक्शन निकलते हैं। इसी पॉइंट से हमें निकालना है, कोई हमें ऊपर नीचे नहीं करना, एक ही पॉइंट से हमें सारे सेक्शन निकालने, पूरा हेड को रोटेट करना है। तो ये वाला जो सेक्शन होता है वो आपको जितने भी लेयर वाले कट होते हैं उसमें हमारा हेल्पफुल होता है। लेयर कट जितने भी होते हैं वो हम पिविटिंग पॉइंट से ही करते हैं, जिससे हमारी लेयरिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ये हमारा पिविटिंग पॉइंट है। इस तरीके से आपको ये पिज्जा की स्लाइस की तरह हमारा सेक्शन निकलता है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा नेचुरल पार्टिंग। नेचुरल पार्टिंग में क्या होता है, आपको हेयर्स पे किसी भी तरह का सेक्शन निकालने की नीड नहीं पड़ती है। हेयर्स जो होते हैं वो खुद ब खुद टू सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप कितना भी बालों को सीधा करके पीछा सीधा करते हैं, लेकिन वो जो हेयर्स होते हैं वो अपने आप से पार्टिंग में डिवाइड हो जाते हैं, सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं। वो होता है हमारा नेचुरल पार्टिंग, ठीक है। खुद ब खुद जो हमारा जो हेयर्स पे सेक्शन निकल जाता है अपने आप बिना निकाले, वो हमारा नेचुरल पार्टिंग होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे कुछ होते हैं सब सेक्शन। सब सेक्शन की नीड हमें कटिंग में भी पड़ती है, या फिर हम कोई हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो हेयर स्टाइलिंग में भी हमें सब सेक्शन की नीड पड़ती है। ब्लो ड्राई करना है, हमें क्रिम्पिंग करनी है, टोंग करना है, या फिर हमें हेयर में रोलर लगाना है, वेलक्रो लगाना है, तो हमें इन सारे सब सेक्शंस की नीड पड़ती है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें सब सेक्शंस निकालने हैं, कितने सेक्शंस निकालेंगे तो हमारा कौन सा वाला काम इजी हो जाएगा। हमें ब्लो ड्राई में कितने सेक्शन निकालने हैं, क्रिम्पिंग करना है तो हमें कितने सेक्शंस निकालने चाहिए, तो ये सारा हमारा सब सेक्शंस में आ जाता है। तो सब सेक्शंस की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और आप इन सारे सेक्शंस की निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट से आप जो है हेयर्स पे सेक्शंस को निकाल पाएंगे और आपका टाइम भी बच जाता है।
तो सब सेक्शन में हमारा सबसे पहला सेक्शन है बॉक्स सेक्शन। तो जो बॉक्स सेक्शन होता है वो फ्रंट में निकलता है, इस तरीके से इसका नाम भी बॉक्स है और ये बॉक्स की तरह ही फ्रंट में निकलता है। इसको हम स्क्वायर सेक्शन भी बोलते हैं, बिल्कुल स्क्वायर की तरह हम निकालते हैं फ्रंट में, तो ये हमारा बॉक्स सेक्शन होता है। उसके बाद हमारा सी सेक्शन, ये बॉक्स सेक्शन भी रिसेशन टू रिसेशन निकलेगा, सी सेक्शन भी रिसेशन टू रिसेशन फ्रंट में फॉरहेड पर, बट बॉक्स सेक्शन में हम स्क्वायर बनाएंगे, सी सेक्शन में हम सी के शेप में हेयर्स को सेपरेट करेंगे, सेक्शन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सी सेक्शन। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा ट्रायंगल सेक्शन, जो हमारा क्राउन एरिया होता है उससे थोड़ा सा आगे जो सेंटर पार्ट होता है वहां से पॉइंट पर हम इस तरीके से ट्रायंगल निकालेंगे, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन जो कट करते हैं उसमें हमारा ये ट्रायंगल सेक्शन निकलता है इस तरीके से। फेस फ्रेमिंग करनी है तभी भी आप ट्रायंगल सेक्शन से भी कर सकते हैं, सी सेक्शन से भी कर सकते हैं, और बॉक्स सेक्शन आप जो कलरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी जो बॉक्स सेक्शन होता है सिर्फ वहां पर कोई हाईलाइट कराना चाहता है तो इस तरीके से हम बॉक्स सेक्शन को पहले सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है पार्टिंग, फोर पार्टिंग। तो फोर पार्टिंग इस तरीके से आप हेयर को फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले प्रोफाइल सेक्शन निकालेंगे, उसके बाद रेडियल सेक्शन निकालेंगे, तो हमारा ये फोर पार्ट्स में हेयर डिवाइड हो जाएंगे। कोई आपसे कहता है फटाफट से हेयर को फोर पार्ट में निकाल के दिखाइए, कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे पहले हम प्रोफाइल निकालेंगे देन रेडियल, तो हमारे फोर पार्ट्स में जो हेयर है डिवाइड हो जाएंगे। आप इस तरीके से फोर पार्ट्स में निकालना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, पहले अगर आप कोई आपसे पूछता है, कहीं आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप वो अगर आपसे पूछते हैं कि आपको फोर पार्टिंग निकालनी है हेयर्स पे तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे फर्स्ट हम प्रोफाइल निकालेंगे देन रेडियल निकालेंगे और हमारा फोर पार्ट्स में हेयर डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा फाइव पार्टिंग। जब हेयर्स को हम फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा हो गया फाइव पार्टिंग। इसमें हमारे फाइव सेक्शन निकलते हैं। फाइव सेक्शन हमें कब करने होते हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, हम क्रिम्पिंग कर रहे हैं, हमें टोंग कर रहे हैं, तो हमें हेयर्स को फाइव सेक्शंस में डिवाइड करने की नीड पड़ती है, जिससे कि हमारा जो भी काम है क्रिम्पिंग टोंग ब्लो ड्राई वो बहुत ही अच्छा होता है और इजी हो जाता है और हमारा टाइम भी सेव होता है, ज्यादा टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होता है, इसलिए पहले से ही हेयर को हमें डिवाइड करके रखना चाहिए। तो फाइव पार्टिंग अगर आपको हेयर में करनी है तो आप पहले प्रोफाइल सेक्शन निकालेंगे, रेडियल देन बॉक्स निकाल देंगे, तो हमारे जो हेयर होते हैं वो फाइव पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा सिक्स पार्टिंग। अब आपको हेयर में छह सेक्शन करने हैं। जब आप रोलर लगाते हैं हेयर्स में तो हमें सिक्स पार्टिंग करनी पड़ती है हेयर में। तो सबसे पहले आप प्रोफाइल निकालेंगे, देन रेडियल निकालेंगे, देन बॉक्स को आप नेप एरिया तक निकालेंगे, तो हमारे जो हेयर होते हैं वो सिक्स सेक्शंस में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये थे हमारे सारे सब सेक्शंस जिनकी नीड हमें कटिंग में भी होती है, हेयर स्टाइलिंग में भी, कलरिंग में भी, रोलर में भी, और आपको क्रिम्पिंग करनी है, ब्लो ड्राई करनी है, इन सारे सब सेक्शंस की हमें नीड पड़ती है हेयर पर काम करते टाइम। तो इन सारे सब सेक्शंस को की नॉलेज आपको होनी चाहिए और सारे सब सेक्शन आपको प्रॉपर अच्छे से निकालने भी आने चाहिए हेयर पर। तो आज के वीडियो में हमने मेथोडोलॉजी का फर्स्ट की पॉइंट किया, पार्टिंग एंड सेक्शन। उसमें हमने ये सारी चीजें देखी कि किस तरीके से हमें सेक्शन निकालने चाहिए, कौन कौन से हमारे सेक्शन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड की पॉइंट कराऊंगी, पार्ट थर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी चीज इसमें आपको क्लियर नहीं हुई है, समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेजेबल वीडियो उन तक भी पहुंच सके और उनको भी इन सारी चीजों की नॉलेज मिल सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर स्किन मेकअप एंड हेयर से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का और यूं ही प्यार बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।